आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन इज विच जीन्स एनकोड द प्रोटीन टू कंट्रोल द बॉलवर्म इन्फेक्शन इन कॉटन प्लांट तो बॉलवर्म जो कॉटन प्लांट को इंफेक्ट करते हैं दे आर नोन एज कॉटन बॉलवर्म एंड ये इंसेक्ट बिलोंग करते हैं टू इसीलिए कॉटन बॉलबम का जो दूसरा नाम है कॉटन प्लांट और वी कैन ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट तो बेटी कॉटन एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है इसकी बीटी टॉक्सिन के वेरियंट है जो स्पेसिफिक है अगेंस्ट दिफिक इंसेक्ट जैसे कि इसमें प्रोडक्शन होता है क्राय 2 ए बी जीन का तो क्राय 2 ए बी जीन से जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज क्राय 2 ए बी टॉक्सिक प्रोटीन तो हम उसको सिंपली बस क्राय 2 ए बी लिख देते हैं ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा केस है दैट इज क्राय 1 ए सी एंड वी हैव cry1ab तो एनसीआरटी केवल इन्हीं तीनों को मेंशन करती है जिसमें से cry2ab और cryac ये स्पेसिफिकली काम करते हैं अगेंस्ट कॉटन बॉल वर्म्स एंड जो cryeb जीन का प्रोडक्ट है दैट इज cry1ab प्रोटीन ये बेसिकली जो प्रोटीन है वो स्पेसिफिकली काम करेगा एज़ अ इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फॉर दी कॉर्न बोरर जो कि अगेन एक लेपिडॉप्टेरन है लेपिडॉप्टेरन का कॉमन एग्जांपल Moth. तो क्राई दस इज नॉट सी कोमा वाई दस इज क्राई टू ए बी तो पहले जो दो ऑप्शन है ये काम करते हैं कॉटन बॉलवम के अगेंस्ट एंड जो क्राई ए बी है वो काम करता है अगेंस्ट कॉर्न बॉर्र इसीलिए क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थ्री बोथ वन एंड क्लास एक्स से ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चारो चार सौ पर